हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम एंड सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या है कि जो आइडेंटिटी कॉलम है वो किसी टेबल के साथ या किसी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के साथ टाई होता है, जबकि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है, वो एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एंड देन वो किसी स्पेसिफिक टेबल के साथ टाई नहीं होता, तो आप इसको मल्टीपल टेबल के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम क्या काम करने वाले हैं, सबसे पहले इसी एग्जांपल को समझते हैं कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है वो किसी टेबल के किसी एक कॉलम के साथ टाइड होती है, जबकि जो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल टेबल के साथ हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे। एम्प्लॉयज टेबल में आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी डिफाइन किया। फर्स्ट आईडी, आईडी का डेटा टाइप इंटीजर, एंड देन मैंने इसके ऊपर प्राइमरी की भी मेंशन कर दी कि ये प्राइमरी की होने वाली है। उसके साथ साथ मैंने क्या काम किया, यहाँ पे आइडेंटिटी भी सेट कर दी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या काम करेगी, ये होती है सीड, ये होता है इंक्रीमेंट, की जो वैल्यू होगी वो वन से स्टार्ट होगी एंड देन हर बार एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं क्या काम करूंगा, इस टेबल को एक बार जनरेट कर देता हूं, ठीक है। तो इस नाम से ऑलरेडी एक टेबल है, तो पहले मैं क्या काम करता हूं, इस टेबल को ड्रॉप कर लेता हूं, ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल नेम दैट इज एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसको एक बार ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप कर दिया एंड देन अब हम इसको क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बस मैं आपको यहाँ पर ये समझाने वाला था कि देखिएगा जो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये एम्प्लॉयज टेबल में सिर्फ आईडी कॉलम के साथ सेट है, ठीक है। एंड देन हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, सीक्वल सर्वर ही उसकी वैल्यू को मैनेज करता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंसर्ट भी करेंगे तो हम आईडी की वैल्यू खुद से नहीं देंगे, हम नेम और जेंडर की वैल्यू ही इंसर्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीक्वेंस की। तो मैं एक सीक्वेंस ऑब्जेक्ट भी बना ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक यूजर डिफाइंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने कह दिया कि क्रिएट सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस का नाम, और उसके बाद मैंने बोल दिया कि ये इंटीजर से, इसका जो टाइप है वो इंटीजर है, स्टार्ट होगा वन से और हर बार एक वैल्यू से वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पे ना दो टेबल और बनाता हूँ, दो टेबल इसलिए बनाता हूँ ताकि उन टेबल्स के साथ में जो ये सीक्वेंस है इसको शेयर करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक कस्टमर टेबल बना ली, ठीक है, मैं इस क्वेरी को हिट कर देता हूँ, देन मैंने यहाँ पे एक यूजर्स टेबल बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल बना लिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, दोनों टेबल में ना वन बाय वन रिकॉर्ड को इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मल्टीपल क्वेरीज में एक साथ हिट करने वाला हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज़। अब देखिएगा वैल्यूज़ में जहाँ सबसे पहले आईडी की वैल्यू थी जो प्राइमरी की थी, तो मैंने क्या काम किया वहाँ पे, एक्चुअली ये प्राइमरी की है, ठीक है, और यहाँ पे आइडेंटिटी तो सेट नहीं है, तो मैं प्राइमरी की में जो होगी वो नॉट नलेबल और यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और जो यूनिक वैल्यू जाएगी वो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट से जनरेट करूंगा। तो जब भी हम सीक्वेंस ऑब्जेक्ट से नंबर जनरेट करते हैं तो उसके लिए हम एक क्लोज यूज करते हैं, दैट इज नेक्स्ट वैल्यू फोर। तो मैंने क्या काम किया, जहाँ पे मेरे को आईडी की वैल्यू देनी थी वहाँ पे मैंने यूज किया नेक्स्ट वैल्यू फोर, एंड देन वो किससे जनरेट कर रहा हूँ मैं, डीबी डॉट सीक्वेंस ऑब्जेक्ट से, और बाकी मैंने यहाँ पे दो जो वैल्यूज थी वो दे दी। तो मैं क्या काम करता हूँ, सारी की सारी वैल्यूज को एक बार इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, दोनों टेबल का डेटा को सिलेक्ट करके देखता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो यहाँ पे डेटा आ गया क्योंकि दो रोज में इंसर्ट हुई, एंड देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक टेबल थी मेरी यूजर्स, तो मैं कस्टमर की जगह एक बार, तो हम इसको भी समझ लेते हैं, यूजर्स टेबल को भी देखते हैं, ठीक है। तो यूजर्स टेबल में भी जो तीन रोज थी वो मेरी इंसर्ट हो चुकी है, एंड देन देखिएगा आईडी, तो जो हमने यहाँ पे आईडीज डाली है वो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट से नंबर जनरेट करके तब ऐड किया, और जो हमने इम्प्लॉयज टेबल जो क्रिएट की थी मैं आपको उसमें भी एक बार डेटा इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आईडी थी मैंने उस पर आइडेंटिटी कॉलम सेट किया था, आइडेंटिटी कॉलम सेट किया था, तो मैं यहाँ पे यूज़र उस वैल्यू को नहीं दे सकता, वो वैल्यू डेटाबेस ही खुद से मैनेज करेगा सीक्वल सर्वर। तो देखिएगा उसमें एक रो थी वो इंसर्ट हो गई है, एंड देन मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो सीक्वल सर्वर उसको खुद से मैनेज कर लेता है। अब मैं देखूंगा तो आईडी में वैल्यू खुद से आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो क्या होता है कि आइडेंटिटी के केस में जो नेक्स्ट आइडेंटिटी वैल्यू जनरेट होती है ना, तो आप जब भी नई रो इंसर्ट करेंगे टेबल में वो तभी जनरेट होगी, बट सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। तो जब भी हमें सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में कि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट से नई वैल्यू जनरेट करनी है, तो उसके लिए हमें टेबल में नई रो जनरेट इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा नेक्स्ट वैल्यू फॉर क्लोज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस वैल्यू को जनरेट करने के लिए। सेकंड बात कर लेते हैं मैक्स एंड मीन वैल्यू ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो हम उसमें मैक्स और मीन वैल्यूज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई ठीक है ये मीन वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो एंड देन मैक्स वैल्यू यहाँ तक जाए, ठीक है। लेट्स से कि मैंने मीन तो कह दिया कि वो 1 से स्टार्ट होगी, चलो वो मीन हो गया, पर मैक्स वैल्यू मैंने कह दिया कि 10 तक, 10 के बाद वो कोई जो आइडिया वो खुद से जनरेट ना करे, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ पॉसिबल नहीं है। बट क्या होता है कि जब आप सिक्वेंस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप मैक्स वैल्यू का आपके पास एक ऑप्शन या एक प्रॉपर्टी होती है जो मैक्सिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में आप मेन एंड मैक्स वैल्यू दोनों को ही स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही वो मैक्स वैल्यू तक रीच कर जाएगा तो उसके बाद वो अगर आप नंबर जनरेट करने का कोशिश करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि वो ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर चुका है, ठीक है। और अगर आप क्या काम करेंगे, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, लेट्स से कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होती है, अगर आपने उसमें मैक्सिमम आई मीन उसमें तो आप मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जिस कॉलम के डेटा जिस कॉलम पे सेट किया उस कॉलम का जो डेटा टाइप होगा और उस डेटा टाइप की जो मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है वही आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर आप सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में भी मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो इस केस में भी जो डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपकी सीक्वेंस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। थर्ड बात कर लेते हैं साइकिल ऑप्शन की, ठीक है। तो साइकिल ऑप्शन क्या काम करेगा, लेट से आप मैक्स वैल्यू तक रीच कर गए, ठीक है, एंड देन आप चाहते हैं कि एक बार मैक्स वैल्यू तक रीच करने के बाद जो आपकी साइकिल है, जो नंबर जनरेशन है, वो दोबारा जीरो आई मीन मीन वैल्यू से स्टार्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली वो रीस्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आइडेंटिटी कॉलम के केस में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता, बट सीक्वेंस ऑब्जेक्ट में हमें साइकिल का भी एक बेनिफिट मिल जाता है कि लेट्स से हमने एक मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर दी थी वो रीच कर गई है एंड देन हमने साइकिल ऑप्शन का यूज़ किया था, तो मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने के बाद वो फिर से मिनिमम वैल्यू से नंबर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब एक बार शॉर्ट में फिर से मैं सीक्वेंस ऑब्जेक्ट और जो आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी थी दोनों में जो डिफरेंसेस थे उनको एक बार फिर से बता देता हूँ। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो थी वो सीक्वेंस सर्वर 2000 से अवेलेबल हुई थी, जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जो था वो सीक्वेंस सर्वर 2012 2012 से अवेलेबल हुआ था, ठीक है। आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी होती है आप उसको एप्लीकेशन कोड में कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट जो होता है उसको आप अपने एप्लीकेशन कोड में कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई कॉलम आपने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के साथ मार्क किया है तो यूज़र डायरेक्टली उसमें कोई वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें पहले आइडेंटिटी को टर्न ऑफ करना पड़ता है तब जाके हम वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि जो सीक्वेंस ऑब्जेक्ट होता है वो किसी टेबल पे डिपेंड नहीं कर सकता और आप उस कॉलम में कोई किसी भी टेबल के किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग एक चीज़ हो रहा है कि आइडेंटिटी कॉलम के केस में क्या होता है, जब भी आप वैल्यू इंसर्ट करने आते हैं ना तो वैल्यू इंसर्ट करने से पहले आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। जबकि सीक्वेंस नंबर के केस में आप क्या काम कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फॉर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं एंड देन रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले आपको वो वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ना वहाँ पे आप क्या काम कर सकते हैं, रिसीड तो कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, बट जो उसका स्टेप साइज होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो रिसीड और स्टेप साइज का मतलब है कि जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है वो रिसीड होता है, आप उसको चेंज कर पाएंगे एंड देन जो स्टेप साइज होता है कि हर बार कितनी वैल्यू इंक्रीज होनी है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जबकि सीक्वेंस ऑब्जेक्ट के केस में आप इन दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट बेनिफिट और है कि आइडेंटिटी के केस में हमारे पास कैश का कोई ऑप्शन नहीं होता, जबकि जो हमारे सीक्वेंस ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर हमें एक कैश का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो कैश जब भी आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है।
क्योंकि वो क्या काम करेगा, जब भी आप कैश को यूज करेंगे वो आपका डेटा को, वैल्यू को डिस्क से रीड करने के बजाय वो मेमोरी से रीड कर जाता है, एंड देन दैट मेक्स इट फास्ट। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगर आपका सीक्वेंस ऑब्जेक्ट और आइडेंटिटी कॉलम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप एक बार यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर देने वाला हूँ। मैंने इन दोनों टॉपिक पे अलग अलग से एक वीडियो बना रखी है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, एंड देन मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की URL दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।